हेलो बच्चों, तो आज हम यूनिट 5th फिजियोलॉजी में, जिसका नाम है ब्लड, उसको शुरू करने वाले हैं। आज फर्स्ट क्लास है, तो ये न्यू सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। यूनिट 5th फिजियोलॉजी का नाम है ब्लड। इसमें हम ब्लड, उसके फंक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, एरिथ्रोपोइसिस, फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी लाइफ साइकिल, डब्ल्यूबीसी, उसके टाइप्स, फंक्शन, प्लेटलेट्स, फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, उसके बाद क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, पीडीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, हीमोस्टेसिस, जिसमें हम समझेंगे रोल ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट, ब्लड फॉर्मेशन इन हीमोस्टेसिस, कोएगुलेशन फैक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन, जो खून का थक्का जमता है उसको बोलते हैं। उसके बाद समझेंगे ब्लड ग्रुप और टाइप, फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इम्यूनिटी। इतना हम इस यूनिट में समझने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहले एक बार ईयर वाइज सिलेबस उसको भी देख लेते हैं। तो जो ईयर वाइज सिलेबस है, इसमें ब्लड फॉर्मेशन, कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप, ब्लड कोगुलेशन, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, ब्रेकडाउन, वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एस्टिमेशन, और ये फंक्शन ऑफ हार्ट वाला तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ चुके हैं, जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जो हमने एनाटॉमी में ब्लड के बारे में समझा था, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो ब्लड, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड फॉर्म। इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। तो जो ब्लड है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो कि एक फ्लूइड फॉर्म में है। इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। लाइफ का फ्लूइड क्यों? क्योंकि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और पूरी बॉडी से CO2 लाके हमारे लंग्स को देता है। इट इज नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यूज। हम इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट लाइन में क्या है, फ्लूइड ऑफ लाइफ, साथ साथ इसको हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। ग्रो करने में, हमारे शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है। बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लेके हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। साथ ही साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो कि हॉर्मोन सिक्रेट करती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन लेकर जितने भी टिश्यूज सेल हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, वहां तक ये भेजता है। द ब्लड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, साथ ही साथ ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज एंड गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस बाय द ट्रांसपोर्टिंग देम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। ये हमारी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करके रखता है, डिसीज यानी बीमारियों से हमको बचाता है। साथ ही साथ जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को ये ट्रांसपोर्ट करके हमारे किडनी तक लाते हैं। और किडनी में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, और उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसको हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। ब्लड की प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। तो कलर क्या है? कलर इज रेड इन कलर। आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड वीनस ब्लड इज पर्पल रेड। अब जो ब्लड कलर है वो तो रेड होता ही है, लेकिन जिनको थोड़े शेड समझ में आते हैं, जैसे नेल पेंट में हम देखते हैं ना, रेड है उसमें अलग अलग कलर के शेड आते हैं, लिपस्टिक में अलग अलग कलर के शेड आते हैं, हम कपड़े लेने जाते हैं अलग अलग कलर के शेड आते हैं उसमें, तो वैसे ही रेड में अलग अलग कलर के शेड से वेनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड का हम पता लगा सकते हैं। जनरली जो आप ब्लड लेते हैं से मतलब, जैसे पेशेंट का हमको सैंपल लेना है, CBC कराना है, ब्लड कैल्शियम सीरम कुछ इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड ग्रुपिंग करानी है, तो हम वेनस ब्लड, क्योंकि जो सुपरफिशियल वेसल्स हमको दिखती हैं शरीर में, ये वेन्स होती हैं, तो हम वेनस ब्लड कलेक्ट करते हैं। जो आप जनरली देखते हैं ये थोड़ा सा पर्पल रेड या थोड़ा सा वो कत्थई कलर जिसको हम बोलते हैं, उस कलर का होता है। लेकिन कभी ABG का सैंपल आप लें, आर्टरियल ब्लड गैस, तो उसमें हमको आर्टरी से ब्लड लेना पड़ता है। उसको 90 डिग्री पे, उसका टेक्निक है, अलग अलग साइड से वहाँ से हम लेते हैं, तो 90 डिग्री से हम इसको लेते हैं, क्योंकि आर्टरी है जो थोड़ी डीप होती है इनसाइड, तो वहाँ से हम कलर लेते हैं और फिर चेक करते हैं, क्योंकि कई बार आर्टरी की जगह पे वेन में प्रिक हो जाता है तो वेनस ब्लड आ जाता है, तो उसको हम चेक करते हैं, जो गॉस फिश रहता है उसमें कलर अलग समझ में आ जाता है हमको। तो ये कलर की बात हो गई। वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट इज 5 लीटर, लगभग 5 लीटर के आसपास
ब्लड हमारे शरीर में होता है अगर हम एक अडल्ट की बात करें। रिएक्शन क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, पीएच इन नॉर्मल कंडीशन 7.4, विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन, ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। इट मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा और आरबीसी की वजह से थोड़ा गाढ़ा होता है। कंपोजिशन यानी ब्लड में क्या क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर ब्लड बनता है, तो ब्लड में ब्लड कंटेन द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्स एलिमेंट एंड द लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा, तो ब्लड सेल्स होती है और प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स ये एलिमेंट्स होते हैं और जो लिक्विड पोर्शन होता है वो होता है प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा हल्का सा येलोइश कलर का होता है, लेकिन आरबीसी की क्वांटिटी की वजह से ब्लड रेड दिखता है। अब एक डायग्राम पे समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। लेफ्ट साइड से शुरू करिए, सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जो अंदर एरिया है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं, उधर से आप देखेंगे कि लिक्विड पोर्शन भी दिख रहा है आपको और कुछ सेल्स दिख रही हैं जिनको ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा है ब्लड वेसल, उसके नीचे देखिए वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है, बाकी सब सेल्स होती हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, राइट साइड में सबसे नीचे देखिए प्लेटलेट्स हैं, और राइट साइड में ऊपर देखिए आरबीसी है। तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स हैं। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पोर्शन है और बाकी इसमें सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में क्या क्या है, तो 3 टाइप की सेल्स हमने देखी थी। 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, कौन कौन सी है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं लीकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो एक कंडीशन होती है जब डेंगू फीवर होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उस कंडीशन में हमारा जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इस वजह से उसका नाम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। अब एक्चुअली होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है या पर्टिकुलर कोई सेल्स का नाम है तो उनके सिनोनिम भी होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो उनके हिसाब से उनके जो भी डिसीज कंडीशन वाले या सर्जरी कंडीशन वाले नाम है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। हमको लगता है इसको अलग से ऐसा कुछ नाम रखा गया है। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को अपेंडिक्स ही बोलते हैं, और जब अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं कुछ कुछ कंडीशन में पेशेंट को, जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस सर्जरी को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। लेकिन जब यूटेरस से रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं हिस्टरेक्टमी, है ना, एक्टमी मतलब होता है रिमूव करना, तो अपेंडिक्स को रिमूव करा तो इसलिए उसका नाम होता है अपेंडेक्टमी, एक्टमी, एक्टमी मतलब रिमूव करना, तो अपेंडेक्टमी। लेकिन यूटेरस रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसका नाम होना चाहिए था यूटेरेक्टमी, लेकिन उसका नाम है हिस्टरेक्टमी। क्यों, क्योंकि यूटेरस का एक सिनोनिम हिस्टेरा भी है, इसलिए उसके नाम पर उसकी सर्जरी का नाम दिया गया है। ठीक वैसे ही प्लेटलेट्स की जब क्वांटिटी कम हो जाती है उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, क्योंकि प्लेटलेट का एक सिनोनिम थ्रोम्बोसाइट्स भी है। हेमेटोक्रिट वैल्यू, इफ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ हेमोक्रेटिक ट्यूब अलोंग विद द सूटेबल एंटीकोगुलेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 30 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 3000 RPM, द रेड ब्लड सेल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड हैविंग क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप। तो हेमाटोक्रेट वैल्यू, अगर जैसे अपन जो पेशेंट का हम सैंपल लेते हैं, तो उस हेमाटोक्रेट ट्यूब में अगर हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लें उसमें अगर सूटेबल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है, कोगुलेशन मतलब होता है थक्का जमना, एंटीकोगुलेंट उसका अगेंस्ट हो गया यानी थक्का नहीं जमने देना, तो उसमें अगर कोई सूटेबल एंटीकोगुलेंट है जिससे ब्लड का थक्का ना जमे, तो उस ट्यूब को अगर हम 30 मिनट तक 3000 RPM, RPM मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट यानी राउंड पर मिनट भी बोल सकते हैं, 30 मिनट में 1 मिनट 30 मिनट तक अगर उसको हम घुमाते हैं और 1 मिनट में 3000 RPM से वो घूमती है, तो आरबीसी सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, या जो ब्लड सेल्स से वो नीचे बैठ जाएंगे और जो प्लाज्मा है वो ऊपर हमको अलग दिखाई देगा। द प्लाज्मा फॉर्म 55% एंड ब्लड सेल्स फॉर्म 45% ऑफ टोटल ब्लड, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है और
ब्लड सेल्स 45% होती हैं टोटल ब्लड में अगर हम बात करेंगे तो। फिर से ब्लड सेल्स देख लेते हैं, दोबारा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। क्या आगे बढ़ गए हैं अभी समझ में आएगा आपको। लेफ्ट साइड में देखिए ब्लड सेल्स में सबसे पहले है प्लेटलेट्स जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, मिडिल में है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और राइट साइड में है व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब इनकी कैटेगरी होती है, इसमें भी अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनके नाम है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्योंकि दो कैटेगरी में होती है डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, उनमें फिर तीन अलग हैं और दो अलग हैं, वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड, स्ट्रॉ कलर मतलब होता है लाइट येलो, हल्का पीला टाइप का। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर क्लियर लिक्विड, इट कंटेन 91-92% ऑफ वाटर एंड 8-9% ऑफ सॉलिड। तो 91-92% इसमें वाटर होता है और 8-9% के लगभग इसमें सॉलिड होते हैं। सॉलिड में क्या क्या है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों ही प्लाज्मा में होते हैं। ये रियल पिक्चर है प्लाज्मा का, आपने कोविड के टाइम पे भी इसका नाम सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी यूज हो रही थी। तो ये ब्लड से प्लाज्मा अलग करके फिर प्लाज्मा पेशेंट को दिया जा रहा था, हालांकि कुछ ज़्यादा एडवांटेज या फायदा इससे नहीं मिला था, पर ये काफ़ी उस टाइम पे यूज हुई थी। फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो ब्लड के क्या काम है वो देख लेते हैं करके। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट फंक्शन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन डिराइव फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट एंड कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर अ ग्रोथ एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं, न्यूट्रिएंट फंक्शन है, यानी कि शरीर को पोषण देने का काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है। कैसे, जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं हमारे, जो भी हम फूड खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलते हैं हमको, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, ये तो मेन ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड हो गया अपना प्रोटीन का, और लिपिड एंड विटामिंस डेराइव्ड फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। तो ये जीआई ट्रैक्ट जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, वहाँ से एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के थ्रू शरीर के अलग अलग भागों तक ये भेजा जाता है फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सेकंड है रेस्पिरेटरी फंक्शन, अब रेस्पिरेशन में ब्लड का क्या काम है, दिमाग लगाइए अपना, रेस्पिरेशन में क्या, या जो श्वसन हम जिसको बोलते हैं उसमें ब्लड का क्या काम है। O2 CO2 ब्लड ही कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वोलाई। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये लंग्स में जो हमारे एल्वोलाई है उधर से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, पूरी बॉडी से CO2 कलेक्ट करके वापस एल्वोलाई तक लाते हैं। थर्ड फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी कि एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब शरीर से बाहर निकलना, जो भी वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकलना। वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी शरीर में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, फॉर्म होता है, बनता है, इट रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरीड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी, स्किन एंड लीवर। तो जो भी वेस्ट जनरेट होता है ब्लड उसको रिमूव करता है और हमारे जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भी शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं वहाँ तक लेके जाता है, वहाँ तक लेके जाएगा, वहाँ छोड़ेगा, और जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके थ्रू जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, जैसे कि किडनी, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है, स्किन है, लीवर है। फोर्थ फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये जो भी हमने ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा था ना, फ्लूड ऑफ लाइफ, फ्लूड ऑफ ग्रोथ, उसमें सारे फंक्शंस छुपे हुए थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, द हॉर्मोन्स एंड सम ऑफ द एंजाइम्स आर कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सोर्स ऑफ सिक्रीशन। तो कुछ एंजाइम्स या हॉर्मोन्स जो भी हमारा एंडोक्राइन ऑर्गन है वहाँ इनका फॉर्मेशन हो रहा है या वहाँ से रिलीज हो रहे हैं,
तो रिलीज होने के बाद हॉर्मोन्स ब्लड में आते हैं और जो भी टारगेट ऑर्गन है जहां तक इनको पहुंचना है वहां तक ब्लड उनको लेके जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट समझ लीजिए जैसे कि ट्रेन है या बस है या आपने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया, एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ने का काम करता है। फिफ्थ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल विद द इंटरस्टीशियल फ्लूइड। हमारे सेल्स टिश्यूज में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड। तो जरूरत पड़ने पर ब्लड में जो वाटर है वो टिश्यू के फ्लूइड में जा सकता है या जो टिश्यू का फ्लूइड है वहाँ से वाटर हमारे ब्लड में आ सकता है जब भी नीड होती है या ज़रूरत होती है। दिस हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो इसके थ्रू हमको वाटर के रेगुलेशन में या बैलेंस बनाने में हेल्प मिलती है। सिक्स्थ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर तापमान रेगुलेट करके रखना। बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी दैट इज हीट बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन इन द बॉडी। ब्लड थोड़ा गर्म होता है, उसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है ब्लड का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, जिसकी वजह से जो एक थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, यानी कि जो भी हीट लॉस हो रही है या हीट गेन हो रही है उसके बीच में बैलेंस बना के रखने का काम ब्लड करता है। सेवन्थ फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ चीज़ें जो लगातार जो हमको ज़रूरत पड़ती है हम उनको स्टोर करके रखते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको निकाल लेते हैं। वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज। अब कुछ कंटेंट है जो टिश्यू को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं, हमारे टिश्यूज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में टिश्यू को कुछ रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहती है, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, सोडियम है, पोटेशियम है। ब्लड सर्व एज अ रेडीमेड सोर्स फॉर दिस सब्सटेंस। तो ब्लड में भी ये सारे कंटेंट होते हैं। ब्लड सर्व एज अ रेडीमेड सोर्स फॉर दिस सब्सटेंस एंड दिस सब्सटेंस आर टेकन फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग कंडीशन लाइक स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो जब भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, स्टारवेशन मतलब होता है कि हम जैसे काफ़ी समय तक भूखे रहते हैं, खाते नहीं हैं, तो हमारा जो शरीर है वो एक स्टार कंडीशन में जाता है, स्टारवेशन में जाता है, तब या हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट लॉस जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, अभी आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गर्मी का मौसम है, यहाँ गर्मी के मौसम में हमारा बॉडी जो है स्वेट सीक्रेट करता है, पसीना सीक्रेट करता है, थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है शरीर को ठंडा करने के लिए, हीट बाहर निकालने के लिए। जब स्वेट सीक्रेशन होता है तो शरीर से, बॉडी से NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में या जो अलग अलग टाइप कंडीशन होती है, स्टारवेशन है, फ्लूइड लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, ऐसी कंडीशन में ब्लड एक स्टोरेज के जैसे काम करता है और ब्लड में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनसे जो भी चीज़ लॉस हो रही है उनकी पूर्ति हो जाती है। डिफेंसिव फंक्शन यानी कि सुरक्षा देने का काम करना, डिफेंड करना। ब्लड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। ब्लड डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शरीर की सुरक्षा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैथोजेंस हैं उनसे। द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। तो डिफेंसिव फंक्शन के लिए ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स एनगल्फ द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खा जाना। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये एनगल्फ कर लेती हैं, उनको खा जाती हैं, जो भी बैक्टीरिया है या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको। लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इओसिनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन। अब हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC, पोइसिस मतलब होता है प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोइसिस RBC का प्रोडक्शन, उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। देखिए पहले जहाँ से साइकिल शुरू हो रही है
एक सेल है वो काफ़ी बड़ी है, फिर धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, बीच में एक न्यूक्लियस है वो भी छोटा होता हुआ जा रहा है, समझते हैं इसको। एरिथ्रोपोइसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट अकर। एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का ओरिजिन उत्पन्न होती है, पैदा होती है, डेवलपमेंट होता है और मैच्योर होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। हीमो, हीमो मतलब ब्लड हो गया यहाँ पर, जैसे हेमरेज, हेमरेज मतलब क्या, ब्लड लॉस होना, एक्सेसिव ब्लड लॉस होना, ठीक। वैसे हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस की अगर बात होती है तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं सबकी बात हो रही है, उन सबके प्रोडक्शन की बात हो रही है, उनके ओरिजिन की बात हो रही है, उनके मैच्योरेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर एरिथ्रोपोइसिस शब्द यूज हो रहा है तो एरिथ्रोसाइट यूज होता है आरबीसी के लिए। एरिथ्रोपोइसिस मतलब हो गया प्रोडक्शन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, और हीमोपोइसिस मतलब जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका ओरिजिन डेवलपमेंट मैच्योरेशन की बात हो रही है वहाँ पर। साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इन फीटल लाइफ। एक्चुअली जब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं फ्रॉम फीटल लाइफ, फीटल लाइफ मतलब हो गया है इंट्रा यूटराइन लाइफ। इंट्रा यूटराइन लाइफ मतलब होता है जब बच्चा यूटरस में होता है, वॉम में होता है, गर्भ में होता है, उसको हम अलग अलग नाम है फीटल लाइफ भी बोलते हैं। तो फीटल लाइफ में एरिथ्रोपोइसिस अलग साइट पे होता है, अलग अलग जगह पे होता है। तो एज के साथ एरिथ्रोपोइसिस की जो साइट है, जो जगह है, वो चेंज होती रहती है। तो जब जहाँ से लाइफ शुरू होती है हम वहीं से इसको समझते हैं। तो लाइफ शुरू होती है फीटल लाइफ से, इंट्रा यूटराइन लाइफ से, एम्ब्रियोनिक लाइफ से, वहीं से शुरू करेंगे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द एरिथ्रोपोइसिस अकर इन थ्री स्टेज। जब बच्चा गर्भ में होता है तब एरिथ्रोपोइसिस तीन स्टेज में होता है। पहली है मेसोब्लास्टिक स्टेज। ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ द प्रिमिटिव आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ योग सैक। योग सैक जो भ्रूण बनता है शुरू शुरू में, तो शुरू के जो दो मंथ होते हैं, दो महीने में आरबीसी योग सैक से बनती है। हेपेटिक स्टेज, हेपेटिक टर्म देखिए यूज होती है हेपेटिक लीवर के लिए, है ना। हेपेटिक स्टेज फ्रॉम थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस आरबीसी। सम एरिथ्रोसाइट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। हेपेटिक स्टेज है मेनली, यहाँ पर लीवर से आरबीसी बनेगी। थर्ड स्टेज होती है माइलोइड स्टेज। ड्यूरिंग द लास्ट थ्री मंथ, आखिरी के तीन मंथ, 7, 8 और 9 मंथ, ड्यूरिंग द लास्ट थ्री मंथ्स ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो एंड लीवर। तो हमारा जो रेड बोन मैरो है और लीवर, वहाँ से आरबीसी बनती है। इन पोस्टनेटल लाइफ, तो इंट्रानेटल या फीटल लाइफ क्या हुई, गर्भ में है जब बच्चा, वॉम में है, यूटरस में है। पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद। तो इन पोस्टनेटल लाइफ एंड इन अडल्ट, पैदा होने के बाद या अडल्ट में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पर होता है। इन न्यू बॉर्न बेबीज द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। जो भी न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी मतलब तुरंत अभी पैदा हुए हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन है और एडल्ट, इनमें आरबीसी रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है, वहीं पर बनती है। अप टू एज ऑफ 5 to 6 years, 5 से 6 साल की एज में आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। सारी बोन्स में जो रेड बोन मैरो होता है वहाँ पर आरबीसी बनती है। फ्रॉम 6 up to 20 यानी 6 साल से 20 साल तक ये जो एज होती है उसमें द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड ऑल द मेम्ब्रेनियस फ्लैट बोन। पहले क्या हो रहा था, सारी बोन्स से आरबीसी बन रही थी उनके रेड बोन मैरो से। 6 साल से 20 साल की एज में क्या हो रहा है, लॉन्ग बोन्स और जो मेम्ब्रेनस यानी जो फ्लैट बोन होती है, जैसे हमारा स्कल है, हमारा स्कैपुला है, ये फ्लैट बोन कहलाती हैं। तो लॉन्ग बोन्स से और फ्लैट बोन में जो रेड बोन मैरो है वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। 20 के बाद आरबीसी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑल मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन एंड स्कल बोन एंड फ्रॉम द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। 20 साल के बाद जितने भी मेम्ब्रेनस बोन होती हैं वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। वर्टिब्रा, स्टर्नम जो हमारी चेस्ट के सेंटर में बोन होती है,
रिब्स हो गई, स्कैपला है, इलियक क्रस्ट है जो हिप बोन में होता है, इलियक पार्ट, स्कल और जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उनका एंड पार्ट जो रहता है वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन बिकम येल्लो बोन मैरो एंड द फैट डिपोजिशन एंड लूजेज द एरिथ्रोपोएटिक फंक्शन। तो जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं 20 साल के बाद होता क्या है, वहाँ पर येल्लो बोन मैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिट होने की वजह से वो येल्लो बोन मैरो बन जाता है और एरिथ्रोपोएटिक फंक्शन जो उसका था यानी कि आरबीसी प्रोडक्शन का जो फंक्शन था वो लूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो रुक जाता है वहाँ पर। ड्यूरिंग द डिसऑर्डर ऑफ बोन द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन। तो अगर कोई बोन डिसऑर्डर है तो ऐसी कंडीशन में स्प्लीन से भी आरबीसी बन सकती है। अब बात करते हैं स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स का काफ़ी नाम सुना होगा, आजकल लोग स्टेम सेल्स प्रिजर्व करवा रहे हैं क्योंकि इनसे ही सारी जो ब्लड सेल्स है वो बनती हैं। तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, जब बेबी बॉर्न होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करने के बाद उनको स्टेम सेल बैंक होते हैं जहाँ पर उनको हम डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि लाइफ टाइम तक डिपॉजिट रहते हैं, कुछ चार्ज रहता है वो देना पड़ता है। तो अगर आपकी लाइफ में आगे चल के कुछ ऐसी डिसीज़ होती है जो कि मेडिकली ट्रीट नहीं हो पाएंगे, जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, उनका ट्रीटमेंट स्टेम सेल्स से हो सकता है। ये समझ लीजिए वो बीज है जो नई नई शाखाएं तने उत्पन्न करती हैं। द स्टेम सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स इन द बोन मैरो विच गिव राइज टू द ब्लड सेल्स। एज द स्टेम सेल कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, या स्टेम सेल से ब्लड सेल्स बनती हैं, ये स्टेम सेल्स बोन मैरो में पाई जाती हैं। द स्टेम सेल कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, तो इन स्टेम सेल से अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार की ब्लड सेल्स बनती हैं। दीज आर कॉल्ड प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। इन सेल्स को हम प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स या PHSC बोलते हैं। ये स्टेम सेल्स दो प्रकार की होती हैं। द स्टेम सेल्स आर ऑ टू टाइप्स नेमली, ये दो प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं, कौन कौन सी हैं। पहली है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स विच गिव राइज टू लिम्फोसाइट्स। दूसरी है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स विच गिव राइज टू द ब्लड सेल्स अदर देन लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के अलावा जितनी भी सेल्स बनती हैं वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से बनती हैं। और पहली है लिम्फोइड स्टेम सेल, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, प्लेटलेट्स आर डेवलप्ड। तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल और प्लेटलेट्स बनेंगी, और लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस कितनी स्टेज में होता है। हमने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम देखा था, एरिथ्रोपोइसिस लिखा था, एक बड़ी सेल्स, फिर उससे छोटी सेल, फिर उससे छोटी सेल, फिर उससे छोटी सेल, ऐसे बनी हुई थी, न्यूक्लियस का साइज़ भी कम होता जा रहा था। तो ये एक्चुअली अलग अलग स्टेज होती हैं। आपको अलग अलग बुक में एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। द वेरियस स्टेज बिटवीन द स्टेम सेल्स एंड द मैच्योर आरबीसी आर एज फॉलो। तो स्टेम सेल्स और जो मैच्योर आरबीसी होती है उनमें कौन कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट। छह स्टेज हम पढ़ेंगे, आपको अलग अलग बुक्स में ये 7, 8, 9 यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है, या 3, 4, 5 भी देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको मेगलोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेगलोब्लास्ट। तो ये पहली सेल है जो स्टेम सेल से निकल के आती है, स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेगलोब्लास्ट, इसको हम मेगलोब्लास्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये मेगा साइज की होती है। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज विद डायमीटर ऑफ अबाउट 20 माइक्रोन। माइक्रोन वैसे बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर हम आरबीसी की बात करें तो उसके हिसाब से ये काफ़ी बड़ा साइज, मेगा साइज है, इसलिए इसको मेगलोब्लास्ट बोलते हैं। और ये 20 माइक्रोन की होती है। इट्स न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एंड ऑक्यूपाई द सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। द न्यूक्लियस हैज़ टू और मोर न्यूक्लियाई एंड रेटिकुलर नेटवर्क। तो 20 माइक्रोन इसका साइज है, न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा होता है और जो सेल है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस उसको ऑक्यूपाई करके रखती है। द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम्स एंड फाइनली फॉर्म द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट
जो स्टेज होती है, इस स्टेज में आर जो सेल है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और कई बार इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और नेक्स्ट स्टेज वाली जो सेल है वो बनती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। सेकेंड स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। दिस सेल इज स्लाइटली स्मॉलर विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 15 माइक्रोन इन द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियाई डिसअपियर। तो पहले 20 माइक्रोन साइज था, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में साइज हो गया 15 माइक्रोन, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियाई था वो डिसअपियर हो गया है। दिस सेल डेवलप इन टू द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अभी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, अब इंटरमीडिएट उसके बाद आएगा लेट। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, दिस सेल इज स्मॉलर देन द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट विद द डायमीटर ऑफ 10 टू 12 माइक्रोन, द न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट। अब यहाँ पर साइज हो गया 10 से 12 माइक्रोन और न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। द हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, अब इस स्टेज में हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाता है। दिस सेल डेवलप इन टू द लेट नॉर्मोब्लास्ट, तो अर्ली से इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट नेक्स्ट स्टेज आएगी, फोर्थ स्टेज। लेट नॉर्मोब्लास्ट द डायमीटर ऑफ सेल फर्दर रिड्यूस्ड अबाउट 8 टू 10 माइक्रोन, न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर डायमीटर हो गया है 8 से 10 माइक्रोन, न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया है। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज, और हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो थोड़ी बढ़ गई है अगर हम कंपेयर करेंगे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से। इन द लेट नॉर्मोब्लास्ट द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपियर, और लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट यानी बहुत छोटा हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है और लगभग डिसअपियर यानी कि गायब हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड काइनोसिस, और जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं काइनोसिस। लेट नॉर्मोब्लास्ट डेवलप इन टू द रेटिकुलोसाइट, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो आएगी रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या है? दिस इज अदरवाइज नोन एज द इमेच्योर आरबीसी, इट इज स्लाइटली लार्जर देन द मेच्योर्ड आरबीसी। रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या है, या इस स्टेज की जो सेल है उसको हम इमेच्योर आरबीसी के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं, मेच्योर आरबीसी से थोड़ी सी बड़ी होती है। इन न्यूबॉर्न बेबी, जो तुरंत पैदा हुए बच्चे हैं, द रेटिकुलोसाइट काउंट या एक स्टेज पीछे मैच्योर आरबीसी से एक स्टेज पीछे वाला जो काउंट है, द रेटिकुलोसाइट काउंट इज 2 to 6%, 2 to 6% होता है। अगर 100 ब्लड सेल्स हैं तो उसमें 2 to 6 रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होंगे। 2 to 6 रेटिकुलोसाइट मतलब है 2 to 6 इमेच्योर आरबीसी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ, लेटर द रेटिकुलोसाइट काउंट रिमेन कॉन्स्टेंट एट और बिलो 1% ऑफ द आरबीसी। तो बर्थ के फर्स्ट वीक, एक हफ्ते बाद, रेटिकुलोसाइट काउंट 1% रह जाता है, यानी 100 आरबीसी हैं तो एक रेटिकुलोसाइट है, यानी एक इमेच्योर आरबीसी है, और ये हमेशा बना रहता है फिर 1% या उससे कम। सिक्स लास्ट स्टेज है मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट। नाउ द सेल बिकम द मैच्योर्ड आरबीसी, सेल है मैच्योर हो गई है। मैच्योर आरबीसी इज बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव यानी जैसे वो क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, दोनों साइड से चपटी है। द मैच्योर्ड सेल बिकम बाइकॉनकेव एंड इट इज़ स्मॉलर इन साइज विद द डायमीटर ऑफ 7.2 माइक्रोन, इट इज़ विद हीमोग्लोबिन एंड विदाउट न्यूक्लियस। तो अब जो मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट या आरबीसी है, साइज हो गया 7.2 माइक्रोन और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बाइकॉनकेव है, यानी आगे और पीछे दोनों साइड से चपटा रहता है, चपटी रहती है। इट रिक्वायर 7 days फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड आरबीसी फ्रॉम द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, उस स्टेज से आरबीसी या मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट बनने में 7 दिन लगते हैं। जो प्रोसेस है वो 7 days का है, फर्स्ट स्टेज से 6th stage तक या लास्ट स्टेज तक। अब एक डायग्राम के थ्रू भी एरिथ्रो प्रोसेस समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग आपको स्टेज देखने को मिल सकती हैं अलग अलग बुक में, तो इसमें जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग स्टेम सेल होती है जो कि ब्लड सेल्स को राइज देती है, पैदा करती है, उत्पन्न करती है, ओरिजिनेट करती है। तो स्टेम सेल से पहली सेल, पहली स्टेज में क्या बना, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पर बीच में देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस ने ऑलमोस्ट पूरी सेल को कवर करके रखा हुआ है। फिर अर्ली
एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें साइज थोड़ा कम हो गया है, न्यूक्लियस का साइज भी थोड़ा कम हो गया है। फिर हमने जो पढ़ा था बीच में इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट, इसमें नहीं बताया गया है, इसमें है लेट एरिथ्रोब्लास्ट। फिर आ गया है नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट के बाद यहाँ पर एजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। तो फेज़ टू में हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो गया, फेज़ थ्री में न्यूक्लियस बाहर निकल गया है, रेटिकुलोसाइट बना है जिसको हम इमेच्योर्ड आरबीसी भी बोलते हैं, और उसके बाद एरिथ्रोसाइट। ये देखिए बाइक कौन की रहती है, एक साइड से आपको दिख रही है, बीच में गड्ढा टाइप का है, चपटी है। लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन मतलब आरबीसी का हमने प्रोडक्शन देख लिया है, 7 दिन में आरबीसी बन जाती है, मेच्योर आरबीसी। उसके बाद इसकी एज कितनी है, लाइफ स्पैन कितना है, और फेट यानी कि किस्मत क्या है, किस्मत या भाग्य क्या है। फेट मतलब होता है किस्मत या भाग्य। तो यहाँ पर फेट ऑफ आरबीसी मतलब है कि इसकी लाइफ कितनी है, उसके बाद ये कहाँ जाती है जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, इसलिए फेट शब्द यूज़ किया गया है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 120 डेज, लगभग 4 महीने 120 दिन, 4 महीने या 120 दिन लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है। द सेनाइल आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन द रेटिकुलो एंडिथेलियल सिस्टम। अब सेनाइल आरबीसी मतलब क्या होता है, सेनाइल आरबीसी मतलब जो कि अब यूजलेस है, जिसकी एज पूरी हो चुकी है, सेनाइल आरबीसी है, आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब जैसे हम बात करते हैं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं जिनकी अलग अलग एज होती है, जैसे आरबीसी की 120 दिन है, उसके बाद ये जो सेल है वो डेड हो जाती है। तो हमारे शरीर में रेटिको एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, जैसे कि हम अगर बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें लंग्स हैं, ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, एल्वियोलाई है, तो उनके पार्ट्स हैं उस सिस्टम के। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल ऐसा अलग से कोई एक सिस्टम नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बोलेंगे जो कि डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन आते हैं, वो भी देखेंगे हम आगे। द सेनाइल आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम व्हेन द सेल बिकम ओल्डर। 120 दिन से ज़्यादा की हो जाती है, द सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर एंड मोर फ्रेजाइल। तो जो सेल की मेम्ब्रेन है, उसकी परत है, आउटर लेयर है, वो फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब होता है भंगुर होना, ईजिली ब्रेक हो जाती है। द डिस्ट्रक्शन अकर मोस्टली इन द कैपिलरी ऑफ स्प्लीन बिकॉज द स्प्लीन कैपिलरी हैव अ थिन ल्यूमन, सो द स्प्लीन इज यूजुअली कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जो मोस्टली डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की बात कर रहे थे, जहाँ पर जो सेल्स हैं डिस्ट्रॉय होती हैं, जिनकी एज हो जाती है, तो उनमें से एक ऑर्गन आप मान लीजिए स्प्लीन भी है। स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि इसकी ल्यूमन काफ़ी थिन होती है, पतली होती है। इस वजह से स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ये कई बार वाइवा में हम पूछते भी हैं, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है स्प्लीन को। द डिस्ट्रॉयड आरबीसी सेल्स आर फ्रेगमेंटेड। जो भी डिस्ट्रॉयड आरबीसी सेल है, जो डैमेज हुई है, फ्रेगमेंटेड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी जाती है। फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड पार्ट द हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड। अब उसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, तो जो आरबीसी टूटती है उसमें से हीमोग्लोबिन भी रिलीज होता है। अब हीमोग्लोबिन में से आयरन और ग्लोबिन ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट होने के साथ ही साथ ये ब्लूरोबिन के प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन भी होता है, ब्लूरोबिन जो येलो कलर का एक लिक्विड होता है या कंटेन होता है। डेली 10% आरबीसी सेल्स विच आर सेनाइल गेट डिस्ट्रॉयड इन द नॉर्मल यंग हेल्थी एडल्ट। लगभग 10% आरबीसी सेल्स जो कि सेनाइल हैं, नॉर्मल यंग हेल्थी एडल्ट है, उनमें डिस्ट्रॉय होती हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी, क्या क्या काम है इसके, उसके बाद हम क्लास को ओवर कर देंगे। तो आरबीसी के फंक्शन में सबसे पहले है एरिथ्रोसाइट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। अब आप बोलोगे ब्लड का काम करता है, ब्लड में जो आरबीसी है वो ये काम करता है। एरिथ्रोसाइट का काम क्या है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू तक पहुँचाती है। एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन होता है, द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कम्बाइन विथ ऑक्सीजन। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, कम्बाइन करता है। एंड 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लगभग 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में उपस्थित प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी सेल्स ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी
कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बी हीमोग्लोबिन अबाउट 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म, और लगभग 30% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन इन RBC ऑल्सो फंक्शन एज अ गुड बफर। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो हर लिक्विड का एक pH होता है, ऑप्टिमम pH होता है, जिसमें वो pH मेंटेन रहता है नॉर्मली। बफर का काम क्या है, उस pH को मेंटेन करके रखना। अगर एसेटिक हो रहा है तो वापस रिवर्स करके लाओ, अल्कलाइन करो, अल्कलाइन हो रहा है तो वापस उसको एसेटिक में लेके आओ, तो नॉर्मल pH बना के रखने का काम होता है बफर का। तो RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो एक अच्छे गुड बफर का काम करता है। बाय दिस एक्शन इट रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड देयर बाय टेक पार्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस से pH को बनाकर मेंटेन करके रखता है। RBC कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन लाइक ए एग्रिटिनोजन, बी एग्रिटिनोजन एंड RH फैक्टर। अब साथ ही साथ RBC में ए एग्रिटिन जो एंटीजन होते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप एंटीजन जिनको हम बोलते हैं, वो कैरी करता है RBC। दिस हेल्प इन डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इन एंटीजन के थ्रू ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि ए है कि बी है, ए बी है, और RH फैक्टर से डिसाइड होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये हेल्प करता है ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो हमने इस यूनिट में आज ब्लड, उसके फंक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स देख लिया है, एरिथ्रोपोइसिस देख लिया है जिसमें हम फंक्शन ऑफ RBC, RBC लाइफ साइकिल तक देख लिया है। ये 3 पॉइंट शुरू के जो है वो हमने समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं WBC से। थैंक यू। ये ईयर वाइज सिलेबस